करीबी है, संस्थापक है लश्कर का जिसे ढेर किया गया है। नाम हाफिज का करीबी ये है, मुफ्ती केसर फारूक है हाफिज का करीबी। खबर आपको दें कि कराची के इलाके सुराब गोट में नामालूम अफराद की फायरिंग से जहां बहाक मुफ्ती फारूक के कत्ल का। पाकिस्तान के कराची में एक आदमी जिसका नाम मुफ्ती केसर फारूक था उसकी हत्या कर दी गई। ये आदमी लश्कर के चीफ हाफिज सईद का खास आदमी था, उसके साथ लश्कर इसने फाउंड की थी। भाई ये रा का जो आतंक है वो तो बढ़ता ही जा रहा है। अब आप ये देखिए कि बड़े भारी कैसर फारूक साहब हुआ करते थे और वो भी खर्च हो गए कल, और उनको भी अज्ञात हमलावरों ने मार दिया। ये भारत की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी रा ने करे, रा ने, ठीक है ना, ये रा ने करे। जिस चीज को इन्होंने, जिसके बारे में जवाब ना देना हो, जिस चीज का चैप्टर क्लोज करना हो, ये फौरन कह देते हैं ये जी रा ने किया है, फिर उसके बाद स्टोरी खत्म, स्टोरी खत्म। ये आदमी भी इंडियंस को मरवाने की, भारतीयों को मरवाने की साजिश करता था, लेकिन जब खुद पे गोली चली तो देखिए कैसे ये भागा अपनी जान बचाने के लिए। मौत का खेल खेलने वाले लोग भी अपनी जान जरूर बचाने की कोशिश करते, नहीं अपने मौत से कितना डरते। जान से मार दिया। अब लोग हरदीप सिंह निज्जर से ही परेशान थे, यहाँ ये कैसर फारूक साहब चले गए। कैसर फारूक के जस्ट पहले, जस्ट पहले कलीमुद्दीन सईद साहब यानी हाफिज सईद साहब के छोटे साहबजादे, वो खर्च हो चुके थे। उसके तुरंत पहले जो है आप जानते हैं कि एक मियां क्या बोलते हैं अबू कासिम उर्फ रियाज जो थे वो रावलकोट में खर्च हो गए थे। जय हिंद दोस्तों, एक और आतंकी हुआ ढेर। मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद को लगा झटका, क्योंकि काफी नजदीक था आतंकी हाफिज सईद के। यहाँ मुफ्ती कैसर फारूक नाम बताया जा रहा है इनका, और इसका सीधा सीधा इल्जाम रॉ पे लगाया जा रहा है। इससे पहले आतंकी हाफिज सईद का बेटा कमालुद्दीन सईद भी खर्च हो चुका है। हाफिज सईद के पूरे कुनबे को खर्च किया जा रहा है, और यह भारत की रॉ एजेंसी कर रही है ऐसा पाकिस्तान का दावा है। हालांकि रॉ ने अभी तक कोई भी क्लेम नहीं किया है। कई न्यूज चैनल ये बता रहे हैं कि अननोन लोगों ने हाफिज सईद के करीबी मुफ्ती कैसर को ठोक दिया है, और 72 हुरों का इनको दर्शन हो चुका है। उन लोगों की भी लिस्ट बनानी पड़ेगी जो आगे मारे जाने वाले हैं, वो कौन है। देखिए सिंध तक में नहीं छोड़ा। एक एक्टिविस्ट हुआ करते थे सरदार हुसैन साहब, वो नवाब शाह सिंध में रहते थे, उन्होंने सोचा होगा शायद सिंध में जो है वो बच जाएंगे, लेकिन सरदार हुसैन साहब जो थे वो भी जो यही कश्मीरी वाले जो ग्रुप हैं इनसे संबंधित थे, उनको भी खर्च कर दिया गया। तो भाई कोई भी सेफ नहीं है ऐसे। क्या हाफिज सईद साहब सेफ है? हाफिज सईद साहब को कह रहे हैं कि साहब वो सेफ है क्योंकि उनको जेल में बंद करके रखा गया है। मसूद अजहर साहब का पता ही नहीं चल रहा है, किसी ने उनको देखा नहीं, साल भर से ऊपर हो गया। सो जनाब मसूद अजहर जो है, यानी कि वो बड़े वाले साहब जिन्होंने आईसी 814 का अपहरण कराया था, हाईजैक करा था आईसी 814 का, उनके एक साथी थे जहूर मिस्त्री साहब, उनको भी कराची में किसी अननोन ने मार दिया। खालिद रजा, उनको अननोन ने मार दिया। ये जो अननोन जो है, ये अज्ञात हमलावर जो है, इनका आतंक बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में भाई इनको आतंकवादी कह रहे हैं, भारत जो है वो टेररिज्म रीडिफाइन कर रहा है। अच्छा, सबसे खूबसूरत बात मुझे पाकिस्तानियों की क्या अच्छी लगती है कि आपको कभी प्रूफ नहीं देना पड़ता, आप सिर्फ बोल दो काफिर की साजिश है। आप एक एक देखो, दो तीन चीजें हैं जो आपको पाकिस्तान में बोलनी पड़ेंगी, हिंदू की साजिश है, यहूदी की साजिश है, रादी साजिश है, सबकी साजिश है। ये तीन चार पॉइंट आप याद रख लो, ठीक है ना, फिर आपकी बात। वैसे भी सबूत मांगने का रिवाज है नहीं पाकिस्तान में, क्योंकि सबूत के लिए दिमाग चाहिए, दिमाग तो है नहीं वहां पे। तो अब ये सेट हो गया है कि भाई रा की ही साजिश है, ये सेट कर लिया पाकिस्तानियों ने। अच्छा, किसी ने पूछा भी नहीं उससे, ये प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे, कोई कोई पत्रकार होता जो पूछ लेता कि ठीक है साहब रॉ की साजिश है, वेरी गुड, अब आप बताइए क्या प्रूफ आपको मिले। ये प्रूफ थोड़ा देता, इसके पास है ही नहीं प्रूफ, क्योंकि प्रूफ जब कराई नहीं किसी ने तो प्रूफ कहां से होगी। ये नहीं, फिर आपको पता ही है कि कौन करता है, क्या आपको नहीं पता है कि आपसे कोई ये ढकी छुपी बात है? फिर पाकिस्तानी ऐसे लहजे में बात करते हैं, क्या आपको नहीं पता कि कौन कर रहा है? इतने जो हमारे शहीदों का खून बहा है, ये किसने बहाया है, क्या आपको नहीं पता है? और वो ज्यादा अगर सवाल पूछ लेता कि सर पता है बताए, छोड़ो ये बताओ कि आपके पास सबूत क्या है, ये सब छोड़ो कि आपको नहीं पता है, मुझे पता है, उसको पता है, इसके चाचे को पता है, वो सब छोड़ो, सिर्फ ये बताओ कि क्या सबूत है आपके पास।
अगर इतना पूछ लेता बंदा, मैं आपको बताता हूं वहीं पे उसको गद्दार करार कर देते कि तू बहुत पूछ रहा है, ले तू गद्दार है। तो दोस्तों, दिस इज अनदर डे इन द लाइफ ऑफ पाकिस्तान, दिस कंट्री कॉल्ड पाकिस्तान, दिस सर्कस कॉल्ड पाकिस्तान, जहां पे आप कुछ भी बोल दें आपको कभी प्रूफ नहीं देना पड़ता।